जय हिंद दोस्तों। गर्मियों का मौसम चल रहा है, गर्मियों में कब्ज की समस्या भी सबसे ज़्यादा होती है। तो ऐसी कई चीज़ें होती हैं जिसके खाने से आपकी जो कब्ज की समस्या है वो ज़्यादा बढ़ सकती है। इसलिए पेट साफ अगर नहीं होता तो भूल कर भी ये चीज़ें ना खाएं। गर्मी के दिनों में पेट का खास ख्याल रखना होता है। अगर सुबह पेट साफ ना हो तो पूरा दिन अच्छा महसूस नहीं होता। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार सारी बीमारियों की शुरुआत पेट से ही होती है, और पेट ठीक ना हो तो दूसरी बीमारियां भी हो जाती हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं वो चीज़ें जिनको नहीं खाएंगे तो पेट रहेगा कूल और साफ। वेलकम टू ब्रांडेड चौपाल, आओ गपशप करें। तो इसमें पहली चीज़ है दोस्तों, चिप्स। हर इंसान चिप्स को बहुत अच्छी तरह से खाता है। चिप्स एक खतरनाक खाद्य पदार्थ है जिसके कारण कब्ज की समस्या होती है। चिप्स का सेवन भी अपच की शिकायत करने वालों को खतरनाक है। आलू के चिप्स ना सिर्फ कैलोरी में अधिक होते हैं बल्कि इनमें इसके कारण अपच भी हो सकती है। आलू में वसा की मात्रा अधिक होती है। चिप्स सारे आलू के ही होते हैं, इसलिए चिप्स और तली भुनी चीज़ों के सेवन से आप बचें। चिप्स कम मात्रा में खाना चाहिए, ज़्यादा नहीं खाएं। अगर शौक है तो कम खाएं। दूसरा नंबर है दोस्तों, दूध से बने खाद्य पदार्थ। जैसे दूध से बने उत्पादों के लगातार सेवन से आपको कब्ज भी हो सकती है। दूध से बना कोई भी प्रोडक्ट गरिष्ठ भोजन की श्रेणी में आता है। दूध या दूध से बने उत्पाद जैसे दूध, चीज, आइसक्रीम आपके पाचन तक डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए नुकसानदेह होते हैं। दूध बने प्रोडक्ट को पचने में भी काफ़ी समय लगता है। दूध में वसा की मात्रा अधिक होती है और फाइबर की कमी के कारण खाना ठीक से पच नहीं पाता है। इसलिए दोस्तों, गाय का दूध पचने में हल्का होता है, भैंस के दूध की जगह आप गाय का दूध का इस्तेमाल करें। तीसरे नंबर पे चीज़ आती है कच्चा केला। दोस्तों, कच्चा केला और केला केला यूं तो खाना पचाने में मदद करता है पर वो पूरा पका होना चाहिए। लेकिन अगर केला कच्चा है तो ये उल्टा प्रभाव आपके पेट पर डालता है। भूल कर भी कच्चे केले का सेवन ना करें अगर आप थोड़ी सी भी कब्ज की शिकायत है, क्योंकि कच्चे केले में फाइबर की मात्रा कम होती है। फाइबर नहीं होगा तो आपको पेट साफ नहीं होगा। चौथे नंबर पे आती है दोस्तों, डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे बिस्कुट्स वगैरह हो गया, कुकीज़, पेस्ट्रीज, केक कम से कम खाने चाहिए। कुकीज़, पेस्ट्रीज और केक में वसा बहुत अधिक मात्रा में होता है। बिस्कुट और कुकीज में मैदे की मात्रा भी बहुत अधिक होती है जो कॉन्स्टिपेशन के लिए जिम्मेवारी होती है। मैदा पेट के लिए बहुत हानिकारक होता है क्योंकि कुकीज और में मैदा ही होता है, और फाइबर और तरल पदार्थ की मात्रा तो होती नहीं है, बहुत कम भी होती है और होती भी नहीं है, जिससे पचने में भी सामान्य खाद्य पदार्थों के मुकाबले अधिक समय लगता है। तो दोस्तों, इन पदार्थों का बहुत अधिक मात्रा में सेवन करने से आपके पेट को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए बिस्कुट और कुकीज के सेवन से आप जितना बच सकते हैं बचें, नहीं तो कम इस्तेमाल करें। पांचवी चीज है दोस्तों, फ्रोजन फल और सब्जियां। फ्रिज में जमे हुए फल या सब्जियां कई दिनों से रखे खाद्य पदार्थ आपके पेट में गड़बड़ कर सकते हैं। गड़बड़ गया, आपको पोटी नहीं आएगी, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। हमेशा ताजी सब्जियां और फलों को ही खाएं। फ्रोजन खाने के सेवन से आप हमेशा बचें। छठा है दोस्तों, तले हुए पदार्थ। यदि आपको कब्ज की समस्या है तो तले हुए पदार्थ ना खाएं, जैसे फ्रेंच फ्राइज, ऑनियन रिंग्स तथा डोनट्स ना खाएं, ब्रेड पकौड़े भी ना खाएं। इन पदार्थों की थोड़ी सी मात्रा खाने पर ही आपका पेट भरा हुआ महसूस होता है। इसलिए इसकी जगह आप कच्ची सब्जियां, फल आदि खाएं। अगर आप इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं या कम इस्तेमाल करते हैं तो कब्ज की समस्या की संभावना आपको कम होती है। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मैं दे रहा हूँ जिसमें आपकी कैसी भी पुरानी से पुरानी कब्ज होगी, उस कब्ज का फार्मूला आप बना लेना, आपकी सारी कब्ज बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। लेकिन जैसे उस वीडियो में आपको डायरेक्शंस गाइड दी गई है, आप वैसे ही उसको यूज़ करना और वैसे ही बनाना, तो 100% आपकी सारी कब्ज की समस्याएं खत्म हो जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक माई वर्क प्लीज़